हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के मेरा वीडियो को ओपन किया है, तो मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड कि आपका फ़ोन रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, क्योंकि मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है हाउ टू अनलॉक रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। कोई भी लॉक, पासवर्ड हो, पैटर्न हो, पिन हो, फिंगरप्रिंट हो, स्क्रीन लॉक हो, कोई भी लॉक हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके आप सीख सकते हो कैसे रियलमी मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। फ्रेंड, जब आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के या पैटर्न या पिन लगा के अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को फ्रेंड आप जब भूल जाते हो, तो आपका फ़ोन इस तरह से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो जाते हो। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के, आप कैसे अपना रियलमी मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो। फ्रेंड, जब आपका फ़ोन इस तरह से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आप इस केस से उभरने के लिए डायरेक्ट जाते हो सर्विस सेंटर या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास। दोनों जगह आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन पैसा लगेगा, समय लगेगा और फ़ोन के अंदर का जितना भी डाटा होगा वो टोटल का टोटल लग जाएगा, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले फ़ोन का डाटा सेफ़ नहीं रख पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डाटा सेफ़ कैसे किया जाता है और फ़ोन अनलॉक कैसे किया जाता है। सर्विस सेंटर में जाओगे, आपके फ़ोन के साथ क्या करेंगे वो लोग, क्या नहीं करेंगे ये कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जो भी करेंगे आप लोग के सामने करेंगे और आप लोग को दिखा के करेंगे, और डाटा कैसे सेफ रखा जाता है ये भी आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आप कुछ सीख सकते हो फ्रेंड कि कैसे रियलमी मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहला वर्क जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, तो आप खुद देखोगे कि आपको इमरजेंसी कॉल के अलावा कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इमरजेंसी कॉल के नीचे, जीरो के नीचे। तो फ्रेंड, आपको इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने एक न्यू डायलेट आएगा, ये इसे हम लोग डायलेट बोलते हैं। इस न्यू डायलेट में आपको एक गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड का इस्तेमाल करना है, जो कोड आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप देख लो, *#899 और हैज, ये कोड डालते ही के साथ फ्रेंड आप देखोगे कि आपके सामने एक न्यू पेज का ओपन हुआ है, और जिस पेज का नाम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ इंजीनियर मोड। तो फ्रेंड, इस इंजीनियर मोड में आप ये भी देख सकते हो कि कितना सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है फ्रेंड, आपको पाँचवा नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर वर्जन। सॉफ्टवेयर वर्जन पे जब आप क्लिक करोगे, तो आप देखोगे सेकेंड नंबर ऑप्शन एंड्रॉयड वर्जन का आ रहा है, जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 11 टाइम क्लिक करना होगा। अगर आपके रियलमी मोबाइल में 7 है, 6 है, या 9 है, या 10 है, या 12 है, या 13 है, 14 है, 20 है, तो आपको उतना टाइम फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 11 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 11 टाइम क्लिक करेंगे। तो 11 टाइम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। जब आप 11 टाइम कॉल कर लोगे फ्रेंड, तो यहाँ से इसको बैक कर लेना। उसके बाद बैक करने के बाद फ्रेंड, आपको जस्ट ऊपर मैनुअल टेस्ट दिख रहा है, पांचवा नंबर के जस्ट ऊपर मैनुअल टेस्ट, आपको मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट पेज छोड़ के सेकेंड पेज पे आना, डिवाइस डबिंग पे, और सबसे पहले अपना सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिएगा जी सेंसर है, और जस्ट एक ऑप्शन के नीचे देखिएगा एम सेंसर है। तो फ़ोन का जो मेन सेंसर होता है वो होता है जी सेंसर, हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो जी सेंसर का जो एंगल है एक्स वाई जेड तीनों का तीनों काफ़ी तेज़ी से रनिंग कर रहा है, इसका मतलब साफ है फ्रेंड कि इसका सेंसर अभी तक एक्टिव है, अगर ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं करता। तो यहाँ से आपको पता चला कि हमारा फ़ोन का जो सेंसर है वो एक्टिव है, तो अब जो मेरा अनलॉकिंग का वर्क होगा वो बहुत तेज़ी से काम करेगा। तो अब हम इसको बैक कर लेंगे। उसके बाद जी सेंसर के जस्ट नीचे आपको जायरोस्कोप दिख रहा है फ्रेंड, जायरोस्कोप पे क्लिक कर लीजिए। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हो जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है और पास लाना है। अगर एक बार में पास नहीं आया, 10 बार में पास नहीं आया, तो आपको कंटिन्यू ट्राई करते रहना है फ्रेंड, जब तक पास ना आए तब तक यहाँ से इस पेज से वापस नहीं जाना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं मेरा क्या होता है। फ्रेंड, आप देख सकते हो कि मेरा एक ही बार में पास आया, और इसी पास की आपको भी आवश्यकता है, यही पास दिखेगा तो आप अपने इस
पेज से बैक हो जाना, और जब तक पास नहीं आए तब तक यहाँ पे आपको वर्क करते रहना है। अब हम इसको बैक कर लेंगे। लास्ट वर्क जो तीसरा नंबर ऑप्शन है डाटा डिस्प्ले का फ्रेंड, ये ऑप्शन में आपको मैं बताऊंगा डाटा रिकवर कैसे किया जाता है, जो सर्विस सेंटर वालों कभी नहीं कर पाते हैं। तो हम डाटा डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और जो नीचे की ओर बढ़ते हुए आ रहा है फ्रेंड, इसको 30 तक बिना रुके हुए बढ़ने दीजिए। अगर ये 30 तक बिना रुके हुए बढ़ जाता है तो आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर हो जाता है, जो सर्विस सेंटर वाले भी नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो ये 30 पहुंचने वाला है, 30 हो गया, इसको बैक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको इस पेज में एक वर्क आउट करना है, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आप यहां देखोगे फ्रेंड कि यहां पे दो ऑप्शन है, आपके रियलमी मोबाइल में 3 है 4 है 5 है 6 या 10 क्यों ना हो, सबको स्टार्ट कर दीजिए। सब स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड तो आपको पहचान के लिए बता दूं कि ये येलो कलर का हो जाएगा। तो यहां पे दो ऑप्शन है तो हम ये दोनों को स्टार्ट करेंगे। अगर आपके फ़ोन में जितना भी ऑप्शन है सबको स्टार्ट कर दीजिए और एक का पास आने तक का वेट कीजिएगा। एक का पास आना बहुत ज़रूरी होगा, तब जाकर आपका फ़ोन अनलॉक होगा। तो हम ये दोनों को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो दोनों येलो कलर का हो चुका है और ऊपर का पास आ चुका है फ्रेंड, और नीचे का फेल आ चुका है। आप देख सकते हो अपनी आंखों से ऊपर का पास और नीचे का फेल। तो अब मेरा पे यहाँ पे वर्क हो चुका है कंप्लीट। हम चलेंगे सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम होता है अदर्स। अदर्स पे आपको 5 ऑप्शन दिखने को मिलेगा, लेकिन आपको वर्क करना है 3 ऑप्शन में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो रीड रेट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर दीजिएगा फ्रेंड और सेकंड टाइम में कंफर्म करके ओके कर लीजिए। अगर आपके ही फ़ोन में ये रॉन्ग पासवर्ड शो कर रहा है तो समझ जाइएगा पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। 3 नंबर ऑप्शन है लॉक का स्टेटस, बोले तो की स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक करना है कि यहाँ पे पास आता है या फेल। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे जितना भी की है वो सब पास 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 है। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पैटर्न पिन पासवर्ड टूट चुका है, इसीलिए यहाँ पे पास 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 शो कर रहा है। तो हम इसको बैक कर लेंगे। और लास्ट ऑप्शन रीडिंग रीसेट कंप्लीट का है, जो कि यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक करना होगा। अगर यहाँ पे भी पास आ जाता है फ्रेंड तो आपका फ़ोन अनलॉक है, और वो भी विदाउट डाटा लॉस है। आप एक बात नोटिस किए होगी कि मैंने जो भी वर्क किया उसमें मेरा फेल कहीं नहीं आया, सारा जगह पे पास आया, तो फ़ोन अनलॉक होना चाहिए फ्रेंड। तो रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए। अगर यहाँ पास है तो होम बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फ़ोन अनलॉक होगा और वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर हमारा पास आया है। तो डायरेक्ट होम बटन है यहाँ पे, हम होम बटन पे क्लिक करते हैं और आप ये भी देख सकते हो फ़ोन की ये फ्रेंड कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। आप देख सकते हो इस फ़ोन का एक भी डाटा लॉस नहीं हुआ है, टोटल का टोटल डाटा सेफ है, एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते, पैसा लगता, समय लगता, फ़ोन अनलॉक होता ज़रूर होता, लेकिन फ़ोन का टोटल डाटा भी डिलीट हो जाता। लेकिन मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया और फ़ोन भी अनलॉक करना सिखाया। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।